गोरखपुर जिले में बृहस्पतिवार को 185 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं होप पैनेसिया चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। अब तक जिले में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 192 हो गई है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,479 हो गई है। 11,518 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं ज़िले में अभी भी 17,869 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो 95 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर और कैंट थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को सबसे अधिक 27 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 10, कोतवाली थाना क्षेत्र में 18, रामगढ़ ताल क्षेत्र में 3, गुलहरिया में 1, चिलवा ताल में 3, राजघाट में 1 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 64 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 15, खोराबार में 7, पिपराइच में 2, पिपरौली में 4, सरदारनगर में 5, गोला में 1, सहजनवा में 5, उर्वा में 8, कैंपियरगंज में 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में 26 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।